Okay, hello everyone. Yeah, this is your educator Shanu Arora. I have done my master's from IIT Bombay, All India Ring 25 in IIT JAM. As you can see, I have cracked several exams here and top 1% in NGP conducted by Indian Association of Physics Teacher. So basically, आज हम बात करने वाले हैं यार CU SET exam के बारे में सर, CU SET PG. तो basically, अगर आप इनमें से किसी भी entrance exam की तैयारी कर रहे हैं, MA, MCOM, MBA और MSc, MTech, सेक्ट्रा, तो ये इन चीजें और सभी के लिए एग्जाम है और अब 1 month रह चुका है. जैसे कि आपको पता लग गया होगा सीयूसेट पीजी की टेनेटिव डेट्स आ चुकी हैं. अभी तक जो है बेसिकली अभी एडमिट कार्ड नहीं आया, लेकिन टेनेटिव डेट यही है कि सर 1 सितंबर से 11 सितंबर के बीच में आपका पेपर होने वाला है. टेनेटिव डेट्स इसकी जो है यहां पर आ चुकी. ठीक है सर, अब हमारी बात बनती है कि यार स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए सर, 1 महीने में कैसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि मैं अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकूं और एग्जाम अपना क्लियर कर सकूं. तो यहां पर मैं आपको 1 month स्ट्रैटेजी के लिए कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं जो आपके रियली इंपॉर्टेंट काम आएंगे और आप इस वीडियो को जरूर देखिए. ठीक है, ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो अगर आपको एडवाइस अच्छी लगे और आपके सच में काम आएगी. ये जो एडवाइजेज मैं देने वाला हूँ ये अजमाई हुई एडवाइजेज है और आपके जरूर यहाँ पर काम आएगी अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर देखें. ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर साइंस कोर्सेज के लिए, अगर मैं वैसे इन जनरल पहले बात करूं तो आप देख सकते हैं एक पार्ट ए आता है. ठीक है, हमारा जो एग्जाम होता है सीयू सेट का उसके अंदर एक पार्ट ए आता है, उसके 25% वेटेज रहता है. ठीक है, तो 25% वेटेज यार बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छे मार्क्स आप यहां से गेन कर सकते हैं और अपनी रैंक को बूस्ट कर सकते हैं. और बेसिकली ये ज्यादा टफ नहीं आता है, बहुत ईजी पेपर आता है. ठीक है, अगर आप देखना चाहें पार्ट ए कैसा आता है तो इस चैनल पर मैंने वीडियो बना रखी है, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं और उसमें मैंने सोल्यूशन भी कर रखा है. बेसिकली 2021 के पेपर का सोल्यूशन, 2020 एंड सो ऑन सभी पेपर्स का मैंने यहाँ पर सोल्यूशन कर रखा है, जाके चैनल को आप चेकआउट कर सकते हैं. तो पार्ट ए बहुत इजी है यार, अगर उसके लिए एडवाइस मैं कहूँ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ. आंसर जो है गूगल पे मिल जाते हैं अगर आपको अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत लग रही है, नहीं तो वीडियोज अवेलेबल है. और ये जो मैंने आपके लिए सोल्यूशन वीडियो बना रखी है, कम से कम 5-6 यही कर लोगे तो आपकी पार्ट ए की प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा पेपर कैसा आता है. और जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है मैं उनके सोल्यूशन भी वहां पर करा दूंगा, जैसे प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन, परसेंटेज निकालने वाले क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन, वो मैंने वहां पर करवा रखे हैं, जाके जरूर एक बार आप चेकआउट करेंगे. सर जीके के लिए क्या करें सर, 5 क्वेश्चन जो है जीके के आते हैं इसमें. जीके के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप एग्जाम से 1-2 दिन पहले पढ़ सकते हैं. ठीक है, और ना भी पढ़े कोई बात नहीं, 5 ही क्वेश्चन है, लेकिन अगर अच्छे से जीके अगर आएगी तो श्योर शॉट है थोड़ा सा आप 1-2 महीने की करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ लेंगे तो आई एम डैम श्योर कि आपको आ जाएगा. ठीक है, तो जीके आपकी बेसिकली करंट अफेयर्स आएगी, 2022 की ही जीके आपसे पूछी जाएगी. ठीक है सर, और अगर हम बात करें सर यहां पर, ठीक है, दूसरे पॉइंट की सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ठीक है, तो दूसरी पार्ट है प्रिपरेशन का, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ज्यादा से ज्यादा लगाइए, पेपर ढूंढिए सीयू सेट के ऑनलाइन या कहीं भी और मिल जाएंगे. ठीक है, अगर आप पेपर चाहते हैं सीयू सेट के, कौन सा पेपर चाहते हैं, अगर मैं प्रोवाइड कर सकूं तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन से के पीवाईक्यू आपको नहीं मिल रही. ठीक है, अगर मैं बात करूं फिजिक्स वालों के लिए तो एमएससी फिजिक्स के मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल रखे हैं, जाके चेकआउट आप कर लेना. ठीक है जी, अगर मैं बात करूं अब सर, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर बात करूं कि टाइम मैनेजमेंट की, बिकॉज हमें पता है सर यहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं 2 घंटे में बेसिकली 120 क्वेश्चन आने वाले हैं. ठीक है, जो कि काफी ज्यादा होते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट का खेल है, आपको स्पीड करना पड़ेगा. तो यार आपको घर पे भी ऐसी ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि 2 घंटे में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, थोड़ी सी और मेहनत करें. ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें 2 घंटे में सर 120 क्वेश्चन तो पॉसिबल ही नहीं है. तो बेसिकली पॉसिबल है लेकिन जब क्वेश्चन इजी आए. ठीक है, अगर क्वेश्चन सिर्फ इजी लेवल के आए तब ये पॉसिबल है. तो अगर मैं फोर्थ पॉइंट बताऊं तो यहां पर जो मैंने एनालिसिस किया है क्वेश्चन पेपर का, ठीक है, स्पेशली मैं अगर साइंस वाले बच्चों के लिए बात करूं तो बेसिकली आप देखेंगे ओनली फॉर्मूला बेस्ड आता है. ठीक है, क्वेश्चन पेपर कैसा आता है सर, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड आता है. तो अगर आपको अच्छे से फॉर्मूला पता है और अगर आप फॉर्मूला लगाना जानते हैं तो आप अच्छे से अच्छा स्कोर यहाँ पर करके दिखाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पर फिफ्थ एडवाइस मेरी यही रहेगी कि यार एक फॉर्मूला नोटबुक बनाना शुरू करिए. ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी नहीं बना रखी है तो एक फॉर्मूला नोटबुक जो है आप बनाना स्टार्ट कीजिए यार. बेसिकली
ठीक है, और उसमें आप एक एक करके लिखना स्टार्ट करिए, ठीक है। जो भी आप जिस भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स या एम कॉम, एम बी ए, तो बेसिकली जो भी आपके फॉर्मूलेज होते हैं उनको जरा अच्छे से आप रिवाइज करिए, बिकॉज क्वेश्चन पेपर जो है फॉर्मूला रिविजन पे ही आने वाला है, फॉर्मूला बेस पर ही क्वेश्चन जो है आपका आने वाला है, ठीक है। अब क्या होगा सर, अब सर अगर मैंने बिल्कुल, अगर मैं यहाँ पर फिजिक्स वालों के लिए बात करूं तो बेसिकली हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि सर मैंने बिल्कुल, अगर आपने तैयारी कर रखी है थोड़ी सी बहुत पहले तो आप फॉर्मूला आपके पास नोटबुक होगी, मान लो अगर आपने आईआईटी जैम की तैयारी करी है तो आपके पास फॉर्मूला नोटबुक होगी और आप वहां से तैयारी जो है कर सकते हैं, उसमें से फॉर्मूला रिविजन कर सकते हैं। नहीं तो बहुत सारी पब्लिकेशन हाउसेस की बुक है, बेसिकली करियर एंडेवर, फिजिक्स, ऑप्टिमिस, इन सबका मटीरियल है, वहां से आप पढ़ना शुरू करिए। जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लग रहे हैं उसको, फॉर्मूले को देखो वो फॉर्मूला लगता कैसे है, आगे बढ़ जाओ, फॉर्मूला देखो कैसा लगता है, आगे बढ़ जाओ। तो ये आपको स्टडी करनी है अब एक महीने के लास्ट में, ठीक है, यानी कि फॉर्मूला बेस्ड रिवीजन और फॉर्मूला को कैसा लगाया जाता है वो, ठीक है। अब अच्छा, यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे यार फिजिक्स के जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी शुरू नहीं करी होगी, तो अगर मैं बात करूं उनके लिए कि अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो बेसिकली इजी सब्जेक्ट्स को टारगेट करें, ठीक है, जैसे कि मैथमेटिकल फिजिक्स हो गया उसको टारगेट करो, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ो। तो ये जो आप मटेरियल की बात कर रहा हूं मैं, करियर एंडेवर वगैरह वगैरह, आपको कहीं भी गूगल करोगे मिल जाएगा, नहीं तो टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पर भी मिल जाएगा, ठीक है जी। बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स कर सकते हो, बहुत ईजी आती है सर। बात करें ईएमटी की, बात करें मैकेनिक्स की, ये अगर ट्वेल्थ लेवल का आप अगर इसको रिवीजन कर लेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा, बिकॉज ये ट्वेल्थ लेवल के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप पार्ट ए की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पे सभी जनरल वीडियो मिल जाएंगी, एमएससी फिजिक्स के लिए भी पीवाईक्यू मैं इस यहाँ पर करवा रहा हूँगा, लिंक में आपको सारे पीवाईक्यू मिल जाएंगे, सीयू सेट के भी, ड्यूएट के भी, ठीक है, ड्यू के पेपर के भी। और बेसिकली अगर हम बात करें वन शॉट रिविजन आप देख सकते हैं, ठीक है, ये जो वन शॉट रिविजन होती है या तो मैं इस चैनल पे लेके आऊंगा फिजिक्स वालों के लिए, और वैसे भी आप जो है जनरल यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं और वन शॉट रिविजन वीडियो से पढ़ सकते हैं, वो काफी हेल्पफुल होंगी आपके लिए इस टाइम, ठीक है। सो दिस वॉज शानू अरोरा यार, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, मिलते हैं आपको ऐसे ही अच्छे नेक्स्ट सेशन में। इस चैनल पे हम बहुत सारी करियर गाइडेंस की बात करते हैं, काफी सारी करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, तो चैनल चेकआउट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।